नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। एलपीजी सिलेंडर के दामों में आज 1 जून को बड़ा बदलाव हुआ है। इसमें कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 135 रुपए प्रति सिलेंडर घटा दिए गए हैं। वहीं घरेलू एलपीजी के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये नए दाम आज बुधवार से ही लागू हुए हैं। इस बदलाव के बाद दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम घटकर 2219 रुपए हो गए हैं। इससे पहले ये सिलेंडर 2354 रुपए में रहे थे। इसी तरह कमर्शियल सिलेंडर के दाम कोलकाता में बता दें 2454 रुपए की जगह ये 2322 रुपए हुए हैं। वहीं मुंबई में 2306 रुपए से कम होकर ये 2171.50 रुपए और चेन्नई में 2507 रुपए से कम हो गए, ये 2373 रुपए हो गए हैं। वहीं उच्च स्तर पर बरकरार महंगाई के बीच कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम होने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। इससे पहले पिछले महीने 19 तारीख को घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे। उस समय 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम 3.50 रुपए और 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 8 रुपए बढ़ाए गए थे। ये एक ही महीने के भीतर सिलेंडर के दाम में दूसरी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं मई महीने में इससे पहले भी एक बार एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा चुके थे। इस बात के अनुमान लगाए जा रहे थे कि सरकारी तेल कंपनियां ओएमसीएस 1 जून को एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव कर सकती है। जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे थे, माना जा रहा था कि जून की पहली तारीख को ही एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाएंगे। वहीं हालांकि इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया था। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग समेत कुछ अन्य फैक्टर्स क्रूड ऑयल की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। इसके चलते इस साल पूरी दुनिया में डीजल, पेट्रोल, ATF, रसोई गैस आदि महंगे हुए हैं। वहीं सरकारी तेल कंपनियां हर महीने में 2 बार एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। कंपनियां पहली बार महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों पर गौर करती हैं। दूसरी बार हर महीने के बीच में ये एक समीक्षा होती है। सरकारी तेल कंपनियां ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में इस दौरान हुए बदलाव के हिसाब से एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत तय करती हैं।